पार्टिकल दे पार्टिकल, इन चार पार्टिकल्स में यूजुअली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि बहुत ही सिंपल पार्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी N5 N4 में ये काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक मीनिंग ना होकर के इनको यूजेज से सीखा जाता है। इनका मीनिंग सिमिलर भी होता है, इंटरचेंजेबल भी होता है। N3 N2 तक जाके काफ़ी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं N4 N5, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं नी पार्टिकल। नी पार्टिकल जैसा कि N5 N4 के स्टूडेंट्स को पहले भी थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग पता होगा, लेकिन अगर हम ये देखें कि सारे ही यूजेज को एक शॉर्ट टाइम में समझने के लिए, एक तरह से फॉर्मूले के तौर पे समझने के लिए, ये तीन एग्जांपल्स, तीन टाइप के नी पार्टिकल की यूजेज, जिसमें दो दो एग्जांपल हैं, इनको यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है उससे स्टार्ट करते हैं। वाताशी वा माइनिची रोकुजी नी ओकिमास। ये जो नी पार्टिकल का यूज़ होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, चाहे वो टाइम का हो या डे हो, डेट हो, नंबर मतलब मंथ हो, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको पहला सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि वाताशी वा माइनिची रोकुजी नी ओकिमास, इसका मतलब है कि मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। नी का मतलब है कि रुकुजी नी उस टाइम पर 6 बजे पे। सेकंड सेंटेंस भी इससे बिल्कुल सिमिलर है। वाताशी वा जू गात्सु नी निहोने किमास, मैं अक्टूबर में जापान जाऊंगा। तो इसमें एक छोटी सी और मैं बात बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे जूगात्स को 10th month बोलते हैं, क्योंकि बेसिक बुक्स में कुछ में लिखा होता है 10th month, तो वो ना बोल के आपको इसको प्रॉपर नेम से बोलना है अक्टूबर। अगर गोगात्स आए तो मे, सांगात्स मार्च, जूनीगात्स दिसंबर, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बेसिक की मतलब ये बहुत ही बेसिक बात है। तो ये था नी पार्टिकल का सबसे पहला और सबसे आसान यूजेज। जो N5 पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको ये ऑलरेडी आता होगा। अब देखते हैं इसका एक और यूजेज लोकेशन के लिए। जैसे सेकंड इसका जो एग्जांपल है, इसके जो दो एग्जांपल हैं वो है चिचीवा उचीनी इमासेन, यानी पापा घर पे नहीं है। तो ये लोकेशन के लिए भी आता है। पापा घर पे नहीं है यानी कि घर की जो लोकेशन है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस है हावा काइशानी देमवाओ शिमाश्ता, मम्मी ने कंपनी में फ़ोन किया या मेरे ऑफिस में फ़ोन किया। तो ये भी लोकेशन को बता रहा है कि कंपनी में फ़ोन किया। तो अभी हमें दो यूजेज हमने सीखे, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एक लोकेशन के लिए। जो इसका तीसरा यूजेज होता है वो डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। हालांकि डायरेक्शन को यूज़ करके और भी तरह के एडवांस एक्सप्रेशंस आगे आप N4 N3 N2 में सीखेंगे, लेकिन उनका मेन जो यूजेज है, मेन जो उनका मीनिंग है वो यही है कि वो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे थर्ड सेंटेंस में आप देखिए, ये दोनों मैंने सिमिलर इसलिए डाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डायरेक्शन जो है वो स्पीकर से लिसनर की तरफ जाए या लिसनर से स्पीकर की तरफ जाए या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ, उसका कोई लेने देने नहीं है। दोनों ही केसेस में नी पार्टिकल आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस है युकी को सान नी हाना उमराई माश्ता, तो इसमें है कि मुझे मिले फ्लावर्स मिले युकी को सान से, तो डायरेक्शन जो है वो मेरी तरफ आ रही है तो भी नी पार्टिकल आया। और जो दूसरा सेंटेंस है युकी को सान नी हानाओ आगे माश्ता, यानी कि मैंने युकी को सान को फ्लावर्स दिए, तो इसमें भी डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है नी पार्टिकल। तो नी पार्टिकल के ये तीन यूजेज हैं। अगर आपको आगे जाके और भी यूजेज काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन जो टाइप होता है वो ये तीन टाइप ही मेनली होते हैं। आपको आगे के एग्जाम्पल्स को भी उनको चेक कर करके इसी तरह से मैच कराना है कि ये लोकेशन के लिए है, डायरेक्शन के लिए है या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे सिमिलर पैटर्न होता है दे पार्टिकल। दे पार्टिकल जो है काफ़ी सिमिलर है, मतलब काफ़ी ईजी है। इसमें भी दो तीन चीज़ें अगर आप याद रख लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नी पार्टिकल दे पार्टिकल में फ़र्क क्या होता है, तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि दे पार्टिकल असल में यूज़ कहाँ होता है, यूज़ कैसे होता है। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ये दे पार्टिकल जो है एक टूल के तौर पे, एक जरिए के तौर पे, एक माध्यम के तौर पे, एक मेजर के तौर पे यूज़ होता है। जैसे कि निहोनजिन वा हाशी दे गोहान ओ ताबेमास, जापानीज लोग हाशी यानी चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, तो चॉपस्टिक जो है वो एक टूल की तरह यूज़ हो रहा है, एक जरिया, एक माध्यम, एक टूल, एक औजार की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसलिए दे पार्टिकल यहाँ पर आया है, निहोनजिन वा हाशी दे गोहान ओ ताबेमास।
मैं आई फील आपको ये हाशी तो पता ही होगा क्या होता है, हाशी मतलब चॉपस्टिक्स। इसका सेकंड एग्जांपल भी वही चीज़ दिखा रहा है, वाताशी वा बस दे गाको इकिमास, यानी मैं स्कूल जाता हूँ बस से। तो बस को मैं एक जरिया, एक टूल, एक माध्यम यूज़ करता हूँ स्कूल जाने के लिए। तो बस दे यानी कि बस को यूज़ करा है मैंने और बस से मैं स्कूल जाता हूँ। चलिए अब सेकेंड टाइप का जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनिए। जब भी हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, देखिए एक सेंटेंस कुछ कह रहा है तो दूसरा सेंटेंस उससे सिमिलर होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ के एक ही सेंटेंस में बोला जाए, क्योंकि एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो भी दे पार्टिकल का यूज़ होता है। ये कैसे होता है, जैसे कि एक सेंटेंस आपने बेसिक में सीखा होगा भाई, जैसे दिस पर ख़त्म हो रहा है, तो सिंपल आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई सु हटा दिया और दे लगा दिया, मतलब जो दे रह गया है उसके बाद वो सेकेंड सेंटेंस हमने लगा दिया। जैसे कि पहला इसका एग्जांपल है वाताशी वा निजू गोसाई दे काईशा इन देश, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा मैं 25 साल का हूँ और मैं कंपनी एम्प्लॉई हूँ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं वाताशी वा निजू गोसाई देश फुल स्टॉप, उसके बाद अगला सेंटेंस वाताशी वा काईशा इन देश। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि आप ये भी देखें कि दो सेंटेंसेस जुड़ के यहाँ पर एक ही सेंटेंस बन गया है। तो इसको एंड भी कह सकते हैं क्योंकि बीच में हमें इंग्लिश में एंड लगाना पड़ता है दो सेंटेंसेस के लिए। हाँ लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, सिमिलर होना चाहिए, दिस पे एंड होना चाहिए, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिलहाल आप अपनी तरफ से ना बना के पहले पूरी तरह से सीखें, अपना N5-N4 कम से कम कंप्लीट करें, उनमें जितने भी सेंटेंसेज आए उनको कंप्लीट करें, उसके बाद ये सब एक्सपेरिमेंट खुद से करने हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं वाताशी वा निजू गोसाई दे काईशा इन देश, मैं 25 साल का हूँ और मैं एक कंपनी एम्प्लॉई हूँ। इसी तरह से सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड सेंटेंस का मतलब सेकंड एग्जांपल का, वो भी यही आपको शो कर रहा है, कोदोमो वा गेंकी दे माइनिची असोंदेमास, यानी मेरा बेटा बहुत ही हेल्दी है, एक्टिव है और रोज़ वो खेलता कूदता रहता है। तो ये दो तरह के सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस है ये। पहला सेंटेंस हो सकता है कोदोमो वा गेंकी देस, यानी मेरा बेटा बहुत हेल्दी है, और दूसरा सेंटेंस होता है माइनिची असोंदेमास, कि वो रोज़ खेलता कूदता रहता है। तो आपने ये भी सीखा होगा अभी तक अगर आपने N5 कंप्लीट किया है कि एक बार अगर सब्जेक्ट बोल दिया है तो दोबारा बार बार उस सब्जेक्ट को नहीं बोला जाता है, आगे जो भी बात आ रही है उस सब्जेक्ट के बारे में ही आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे जाके मैं अपने इवन N2, N3, N1 तक के स्टूडेंट्स को भी ये बार बार बताना पड़ता है, ये भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है शुरू में बताया गया है वही सब्जेक्ट है, वही आप उसी की बात हो रही है, उसको प्रॉपरली हिंदी में या इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करें तो उसको बोलिए। जैसे इस सेंटेंस में दोनों बार बोलना पड़ेगा मेरा बेटा बहुत हेल्दी है और वो बहुत ही है, तो वो बोलना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा मेरा बेटा बहुत खेलता कूदता रहता है। तो सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में तो बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन जापानीज लैंग्वेज में शुरू में ही एक बार सब्जेक्ट बता दिया तो वही उसका आगे उसकी बात हो रही होती है। तो एक बार फिर से देखते हैं कोदोमो वा गेंकी दे, यानी मेरा बेटा बहुत हेल्दी एक्टिव है, माई नीची असोंदेमास। तो इसमें भी दिस को दे बना दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। तो ये है दे पार्टिकल की सेकंड यूजेज। अब चलते हैं थर्ड यूजेज की तरफ। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं मैं सिंपली तो ये बन जाएगा कि की वजह से, जैसे पहला सेंटेंस है किनो वा आमे दे रियोको गा चूशिनी नाता, कल बारिश की वजह से ट्रैवल जो है वो कैंसिल हो गया। चूशी का मतलब होता है कैंसिल और रियोको का मतलब होता है ट्रैवल, तो कल बारिश की वजह से ट्रैवल कैंसिल हो गया। तो ये दे पार्टिकल का यूजेज है की वजह से, के रहते, के चलते, के बैकग्राउंड से, के रीजन से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड सेंटेंस भी पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी सी, थोड़ा सा एडवांस से ध्यान सुनिए, कोनो आतारी वा शिजगा दे बेनरिदिस। देखिए जो N5 के सेकंड पार्ट तक पहुंच चुके हैं उन्होंने भी सीख लिया होगा कि नाटे ऑब्जेक्टिव के आगे दे लगता है क्यों, क्योंकि वो क ते नहीं हो सकता, क्योंकि वो ई हटा के क लगता है। तो देखिए इस तरह से प्रैक्टिस को मत करिए, मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी आपको समझाया है कि एक सेंटेंस की प्रैक्टिस जो है वो आपको ये सब रूल ऑटोमेटिकली सिखा देती है, आपको अलग से कोई रूल याद नहीं रखना पड़ता कि ना एडजेक्टिव है तो दे लगेगा, ई एडजेक्टिव है तो कु ते लगेगा। इन्हीं तरह से सेंटेंसेज को भी प्रैक्टिस करिए, हल्का सा रूल याद रखना जरूरी है ठीक है मैं मान गया, लेकिन आपको सेंटेंस जब तक आप रीड नहीं करेंगे 6-7 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार कम से कम, तब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा, आगे जाके आप एक ही बार में सेंटेंस को समझ जाएंगे अगर आप रिपीटेशन को ध्यान में रखते हैं। तो रिपीट करते हैं, कोनो आतारी वा शिजगा दे, कोनो आतारी का मतलब होता है यहाँ आसपास, ये जो विसिनिटी है, ये जो एरिया है, शिजगा यानी कि साइलेंट, क्वाइट और बहुत शांत है, दे बेनरी दे इसका मतलब है एंड बेनरी यानी कि और वो बेनरी है।
अब जैसे कि मैंने बताया कि रीजन भी होता है कि की वजह से, तो शिज़का दे में दोनों चीजें मिक्स हैं, मतलब शिज़का दे और बेनरी जो लिखा हुआ है इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं। आपको पढ़ के लग रहा होगा कि एंड एंड कह रहा है, इंग्लिश में भी ऑब्वियसली ऐसी ही ट्रांसलेशन होगी, क्वाइट एंड कन्वीनियंट, बेनरी का मतलब कन्वीनियंट। लेकिन असली में अगर मैं आपको बताऊं मीनिंग इसका है कि भाई एक तो ये कन्वीनियंट है, सॉरी साइलेंट है, क्वाइट है, और इसकी वजह से भी बेनरी है, ये भी इसके अंदर मिक्स है। हालांकि बेनरी में दूसरी चीजें आती हैं जैसे कि मॉल बहुत पास है, स्टेशन बहुत पास है, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन स्टिल ये आगे जाके जो बहुत ही एडवांस पढ़ चुके हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी कि दे जो पार्टिकल है वो इससे कनेक्शन से ही आया है, कनेक्शन की वजह से ही ये चीज़ बता रहा है कि बहुत बेनरी है, बेनरी यानी कि कन्वीनियंट है। चलिए अब हम बात करते हैं वा पार्टिकल की। वा पार्टिकल के लिए देखिए, अभी तक जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उन्हीं में ही उन्हीं सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे, और उन्हीं सेंटेंसेस जो यहाँ पर दिए हुए हैं को अब दोबारा देखिए वा पार्टिकल के एंगल से। तो चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। निहोंजिन वा हाशी दे गोहान ओ ताबे मास, पहला जो सेंटेंस है इसमें देखिए वा पार्टिकल की पहले मैं अलग से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि वा पार्टिकल जो होता है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है। हाँ जी, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। जब भी वा पार्टिकल आए, चाहे वो एक ही शब्द के आगे लगा हुआ है या फिर पूरा दो तीन चीज़ें बताने के बाद दूसरे शब्द के आगे लगा हुआ है, तो पूरा उससे वा पार्टिकल से पहले जो भी चीज़ आई है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे पहले सेंटेंस में है निहोंजिन वा हाशी दे गोहान ओ ताबे मास, तो बात हो रही है निहोंजिन की। अब निहोंजिन के बारे में जो भी चीज़ें आगे वो वा पार्टिकल के बाद वो सारी निहोंजिन से रिलेटेड है, निहोंजिन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसके बारे में मतलब इसमें मीनिंग आपको पहले मैंने जैसे बताया कि जापानीज लोग चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं, तो जापानीज लोग ये काम करते हैं या उनके बारे में एक्सप्लेनेशन है, तो ये वा पार्टिकल डिनोट करता है। सिमिलरली जैसे सेकेंड सेंटेंस में है वाताशी वा बस दे गा कोई की मास, तो वा पार्टिकल दिखा रहा है कि वाताशी वा यानी कि मैं, अब मेरे बारे में एक्सप्लेनेशन है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये, तो वा पार्टिकल सिंपल है। आपने जो भी जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं उनको पता ही होगा कि वा पार्टिकल सबसे पहले सिखाया जाता है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। अगला सेंटेंस भी यही है, वाताशी वा निजू गो साई दे काइशा इन दिस, यानी कि मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, वाताशी वा। उसके बाद जो सेंटेंस है कोदोमो वा गेंकी दे माइनीची सोंदे मास, इसमें भी बच्चों के बारे में कुछ बता रहा है, तो वा पार्टिकल का मतलब होता है कि इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जैसे कि किनो वा, तो अगर हम वा पार्टिकल को इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन करें कि किनो वा आमे दे रियोको वा चूशी ना तक, का मतलब है कि वा पार्टिकल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो कल क्या हुआ उसके बारे में बता रहा है। सिमिलरली लास्ट सेंटेंस में भी है कोनो अतारी वा शिजुका दे बेनरी दिस, तो वो कोनो अतारी यानी यहाँ के आसपास के एरिया के बारे में बता रहा है, यानी कि यहाँ के आसपास के एरिया की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चलिए अब देखते हैं गा पार्टिकल। काफ़ी बच्चे पूछते हैं वा और गा में फ़र्क क्या है, तो इस फर्क को बताने के लिए ही यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो हैं वा और गा दोनों आए हुए हैं उस सेंटेंस में, ताकि आपको फ़र्क पता चल पाए। क्योंकि पहले गा की अलग से अगर एक्सप्लेनेशन की जाए तो गा भी यही होता है कि उस चीज़ के बारे में बता रहा है, लेकिन वो किसी और चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है या उस चीज़ का कोई क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बता रहा है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, आपने सुना भी होगा कि गा पार्टिकल स्ट्रेस के लिए होता है, एम्फेसिस के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है? उस चीज़ का असली मतलब ये है कि गा पार्टिकल जो एक्सप्लेनेशन चल रही है उसमें जो जिस मुद्दे की बात हो रही है उस मुद्दे पर आया है, मतलब मुद्दे के लिए आया है, उस पॉइंट के लिए आया है जिस पॉइंट के लिए वो सेंटेंस है, यानी असली बात गा पार्टिकल बता रहा है। जैसे कि चलिए इसको एग्जांपल से सीखते हैं। पहला सेंटेंस है वाताशी वा निहोन रोरी गा स्किदेस। अब इसमें अगर वा पार्टिकल देखे तो वाताशी वा यानी कि मेरे बारे में बता रहा है, लेकिन आगे गा आया है तो इसका मतलब यह बात जो है वो मुद्दे की है कि जैपनीज फूड मुझे पसंद है, तो जैपनीज फूड मुझे पसंद है इसलिए निहोन रोरी गा स्किदेस। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में भी आप सेम ही इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ताना का सामवा तेनिस का जोजो, जोजो दिस, जोजो का मतलब होता है एक्सपर्ट या फिर गुड एट या फिर अच्छे हैं, तो ताना का सान जो है वो टेनिस में बहुत अच्छे हैं, टेनिस खेलने में बहुत अच्छे हैं। तो ताना का सान वा आया है तो इसका मतलब ताना का सान के बारे में कुछ बता रहे हैं, और टेनिस का जो का मतलब है कि टेनिस की बात हो रही है, असली मुद्दा जो है वो टेनिस है। और उसके बाद में जो इसको अलग एंगल से भी आप सीख सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसी भी होती हैं कि भाई गा जो है वो जोजू किराई स्की
हेता इन सब के साथ आता है. लेकिन मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, चाहे वो क्लास हो चाहे इन वीडियोस में भी, कि आप इस तरह से ना ग्रामर का कोई रूल ना बनाएं, उसको मीनिंग से समझो. मीनिंग से समझना बहुत आसान होता है, शॉर्ट टाइम में होता है और वो एक्यूरेट भी होता है. अगर आप रूल याद करने बैठ जाएंगे तो वो बहुत हज़ारों रूल हैं और रूल से वो एक्यूरेसी रहेगी भी नहीं, आपको पता भी नहीं चल पाएगा ये लग रहा है या नहीं लग रहा है यहाँ पे. और रूल सीखना भी आसान नहीं होता है. आप चाहे तो जापनीज से भी कोई पूछ सकते हैं ये रूल है क्या, तो जापनीज भी कहो अच्छा अच्छा हाँ बात तो ठीक है, ये रूल हाँ ऐसा ही होता है. तो क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है. और इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप चाहें तो जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर दो तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, आप भी अपने बुक्स में इन सेंटेंस को मैच करा के सेंटेंस से प्रैक्टिस करिए. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं कैसे वाह और गा में डिफरेंस करूँगा, इसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़े बड़े इंटरनेट आर्टिकल्स, बहुत कुछ लिखा हुआ है. घुमा फिरा के स्टूडेंट अल्टीमेटली यही सोल्यूशन निकालता है कि भाई वाह भी होता है गा भी होता है, दोनों एक चीज़ बताते हैं. गा थोड़ा एम्फेसिस के लिए होता है कि जिस मुद्दे की बात हो रही है, और वाह जो होता है वो उस सब्जेक्ट की बात होती है कि इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो छोटा सा कंक्लूजन है, इसमें ज़्यादा आप मत सोचिए और इतना टाइम वेस्ट ना करें. पूरा मैं रूल ही सीख लूँ और उसके बाद ही मैं सीखूँ, तो ये ना करें. सिंपल इन सेंटेंसेस को ही फॉलो करें, बुक्स को फॉलो करें, आराम से आप इजीली N5 ही नहीं N4 N3 तक अपना काम चला सकते हैं. N2 N1 में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. इन चीज़ों में N2 N1 वाले सोचते ही नहीं है कि वाह क्यों आया गा क्यों आया, सिर्फ बेसिक वाले स्टूडेंट सोचते हैं क्योंकि नया नया है कुछ. तो फिर से इन सेंटेंसेस को देखते हैं. तनाका सान वा टेनिस का जोजुदेस, यानी कि तनाका सान जो है वो टेनिस में बहुत अच्छे हैं. थर्ड सेंटेंस भी ऐसे ही है, वाताशी वा पेन गा अरिमासेन. तो बात तो हो रही है वाताशी यानी मेरी, लेकिन पेन गा अरिमासेन मुद्दे की बात यह है कि पेन मेरे पास नहीं है. तो ये है गा पार्टिकल की एक्सप्लेनेशन. इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ए पार्टिकल, ओ पार्टिकल. तो वो बहुत छोटे छोटे, उनको तो एक ही मीनिंग है. जैसे ए का मतलब होता है उसके लिए, उसकी उसकी तरफ जा रही कोई चीज़, उस डायरेक्शन के लिए. ओ पार्टिकल का मतलब होता है उसको, जैसे ओ साके ओ नोमीमास, यानी ड्रिंक को पीना, गोहान ओ ताबेमास, खाने को खाना. तो ओ को आप सिर्फ हिंदी का को समझें तो आपका काम चल जाएगा. इस तरह से प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है. छोटी सी एक्सप्लेनेशन सुनिए और उस सेंटेंस को बार बार, उस पार्टिकल को बार बार चेक करिए. इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करके JLPT को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पार्टिकल्स को प्रैक्टिस जो है एक वर्ड में ना करके सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करते हैं. आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी. इसके सेंटेंस प्रैक्टिस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से आपके जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो भी एग्जांपल्स आते हैं उनको भी इन्हीं एग्जाम्पल से मैच कराइए. इन पार्टिकल्स की प्रैक्टिस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.